कुमकुम भाग्य सीरियल में प्राची के किरदार को निभाकर दर्शकों की फेवरेट बनने वाली अभिनेत्री हैं मुग्धा चापेकर, जो कि शो में अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग के साथ साथ अपने को स्टार के साथ अपनी जोड़ी से भी दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार पाती हैं, जिसमें इनके पति हमेशा ही इनकी काफी केयर करते हैं और इनका हर एक मोड़ पर हमेशा ही साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जिस तरह इनके ऑन स्क्रीन पति इनका हमेशा ही साथ देते हैं, उसी तरह रियल लाइफ हस्बैंड रवीश देसाई भी इन्हें काफी प्यार और सपोर्ट करते हैं और इनके हर एक शो को देखना बेहद पसंद करते हैं। पर इसके बावजूद इनके करियर में ऐसे 4 टीवी शोज भी हैं जो कि इनके पति देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जी हाँ, तो आखिरकार कौन से हैं वो सीरियल और किस वजह से इनके पति रवीश उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, सजन रे झूठ मत बोलो। साल 2009 में सब टीवी पर प्रसारित हुआ शो सजन रे झूठ मत बोलो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शुमार है, जिसे इनके पति देखना पसंद नहीं करते हैं। और बात करें कि इस शो में ऐसा क्या है जो कि इनके पति देखना पसंद नहीं करते, तो बता दें, इस शो में मुग्धा चापेकर ने खुद से 15 साल बड़े सुमित राघवन के साथ काम किया था और उनके साथ रोमांस भी करती नजर आई थी, जो कि इनके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इसीलिए वो इस शो को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। नंबर 2, साहिब बीवी और बॉस। मुग्धा चापेकर के पति उनके जिन शोज को देखना पसंद नहीं करते, उनमें दूसरे नंबर पर नाम शुमार है सब टीवी के ही शो साहिब बीवी और बॉस का। और बात करें कि मुग्धा चापेकर के पति उनके इस शो को देखना पसंद क्यों नहीं करते, तो बताते, दरअसल शो में काम करने के दौरान मेकर्स और इनकी कुछ बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो से इनका पत्ता तो साफ कर ही दिया था, साथ ही उन्हें इसकी सैलरी भी नहीं दी थी और इसी वजह से इनके पति शो मेकर से नफरत करते हैं और उनके बनाए इस शो को देखना कतई पसंद नहीं करते। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम शुमार होने वाला शो है पृथ्वीराज चौहान। और बात करें कि आखिर इस शो को मुग्धा चापेकर के पति देखना पसंद क्यों नहीं करते, तो आपको बता दें, इसकी वजह इस शो में मुग्धा चापेकर और अविनाश रेखी के रोमांटिक सीन्स थे जो कि इनके पति बिल्कुल भी नहीं देख सकते और इसी वजह से वो इस शो को भी देखना पसंद नहीं करते। नंबर 4, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। इस लिस्ट में आखिरी शो है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, क्योंकि इनके पहले शो सजन रे झूठ मत बोलो का ही रिबूट था, जिसकी वजह से हर किसी को लग रहा था कि ये शो भी उसी की तरह सफल होगा। पर अफसोस, ये शो सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मात्र 2 महीने के अंदर ही इसे ऑफ एयर करना पड़ा, जिसने मुग्धा चापेकर को काफी दुखी कर दिया था और इसी वजह से उनके दुख का कारण बनने वाले इस शो को भी इनके पति देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, क्या आप भी मुग्धा चापेकर के पति की तरह उनके किसी शो को देखना नापसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।